देखिए ध्यान से, आज क्या वर्क सिस्टम ऑफ थर्मो स्टेट, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका थर्मो स्टेट। देखने में कुछ ऐसा होता है, आप देख लीजिए इस तरीके का होता है थर्मो स्टेट, जो फ्रिज के जस्ट फ्रीजर के जस्ट बगल में लगाया गया होता है, यानी कि इसके द्वारा हम कूलिंग को सेट करते हैं। इसमें होता है नॉर्मल मोड, कोल्ड मोड और उसके बाद आपका होता है आइस मोड, ठीक ना। तीन मोड होते हैं टोटल, किसी किसी में नंबर होता है 1 to 10, 1 to 9, 1 to 5, 1 to 6, है ना, किसी जैसे फ्रिज उस हिसाब से होता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ध्यान से, ये जो थर्मो स्टेट का ये आपका निकला हुआ, यहाँ से केवल लाइन निकली होती है। मैं नया जो थर्मो स्टेट उसको दिखा दूंगा, उसमें निकला होगा। फिलहाल में ये टूट चुका है, ठीक ना। जब ये टूट जाएगा तो ये बेकार हो जाएगा, बिल्कुल काम करने वाला नहीं है। इसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, और जो स्प्रिंग सिस्टम जो मैंने बनाया है उसमें, यहाँ पर ध्यान से अंदर देंगे तो यहाँ दिखेगा, दिख रहा है थोड़ा सा, एक लाइन दिख रहा है, नीचे स्प्रिंग दिख रहा होगा, और सेम ऐसे इसमें भी आपका दिख रहा होगा, ठीक ना। तो दो स्प्रिंगें लगी होती है इसके अंदर, बाकी स्ट्रिप होता है। कभी इसको हम खोलेंगे तो दिखा दें कैसे, बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है जैसे मैंने यहाँ पर बनाया। तो समझते हैं फिगर में कैसे काम करता है ये, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है, ये होता है आपका डायफ्राम, एक होती है कैपिलरी लाइन, ठीक है। इसके अंदर एक विशेष प्रकार का लिक्विड भरा जाता है, इस लिक्विड का नाम कहीं भी खोजने में मिलता नहीं, ठीक है। तो इसको विशेष प्रकार लिक्विड ही बोलते हैं। अब होता क्या है, जब हम इसकी नोब को घुमाते हैं, यानी कि जब हम आपका जो थर्मो स्टेट है, जब इसको हम घुमाते हैं इस तरीके से, यानी कोई भी कूलिंग हम जब सेट करते हैं, मान लीजिए हम सेट कर रहे हैं हमको बर्फ़ जमाना है, तो हम कहाँ सेट करेंगे, लास्ट में ना, बिल्कुल आईसी मोड में जब इसको हम घुमाएंगे तो इसके अंदर जो कैपिलरी का द्रव्य है वो फैलेगा, ठीक ना। यानी कि कम घुमाएंगे तो कम फैलेगा, ज़्यादा घुमाएंगे तो ज़्यादा फैलेगा, मतलब एक टाइमिंग होती है, समझ में आ रहा है। अगर हम पूरा इसको बिल्कुल लास्ट तक घुमा दें तो इसके अंदर का जो द्रव्य है बिल्कुल दूर दूर तक फैल जाएगा, ठीक ना। जब वापस कूलिंग होगी, अब देखिए क्या होगा, जितना ही ये फैलेगा उतना ही जो स्प्रिंग है ये फैलेगी, समझ में आ रहा है। जब फैलेगी तो ये दृढ़ता से इसके ऊपर चिपका रहेगा, ये पॉइंट जो दोनों अभी छूटी हुई है, ये दृढ़ता के ऊपर से क्या होगा, चिपका। जैसे मैंने इसको घुमा, कोई सेटिंग करूंगा, जब इसको घुमाऊंगा तो इसकी स्प्रिंग फैलेगी, ठीक है। जब इसकी स्प्रिंग फैलेगी तो ये आके इससे चिपक जाएगा, समझ में आ रहा है। और जितना ही मैं घुमाऊंगा उतना ही दृढ़ता से इससे चिपक जाएगा, ठीक है ना, इनकी कठोरता से। इसके बाद क्या होगा, वापिस जब कूलिंग होगी, यानी कि जब कूलिंग करना प्रारंभ करेगा, तो जैसे जैसे कूलिंग होती जाएगी वैसे वैसे जो ये स्प्रिंग सिस्टम है ऊपर उठता जाता है, ठीक ना। और जब बिल्कुल जिस मोड को हम सेट किए वो मोड जैसे ही हमारे फ्रिज में प्राप्त हो जाएगा, ये जो स्प्रिंग है पूरी तरह से क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। क्यों होगा, क्योंकि जो इसकी लिक्विड है धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते क्या होगा, पूर्ण रूप से सिकुड़ जाएगी। जब वो पूर्ण रूप से सिकुड़ेगी तो इसको भी क्या करती है, सिकुड़ाती है। जब इसको सिकुड़ाती है तो ये स्ट्रिप जो सिस्टम है ये भी क्या होते हैं, ये भी सिकुड़ते हैं, ऊपर उठते हैं। जब ऊपर उठते हैं तो ये जो आपका लीवर सिस्टम है ये भी क्या होता है, ऊपर उठता है। और उसके बाद ये जो पॉइंट है ये छूट जाती है, यानी कि मिलने वाली जो फेस की हमने बताया था ना, वाली ने बताएंगे तो बताएंगे, फेस जो होता है इसको दिया जाता है और ये फेस आउटपुट हो जाता है कंप्रेसर के ओवर लोड पे। जब उसको फेस मिलेगा तो कंप्रेसर क्या हो जाएगा आपका, बंद हो जाएगा, है ना। तो हमारे फ्रिज को ऑटोमेटिक तरीके से काम कराने काम कौन करता है, ये थर्मोस्टेट, ठीक ना। यानी कि जैसे ही वापस फिर से क्या होगा, आपकी कूलिंग, यानी कि आपका जो फ्रीजर है उसके अंदर हीटिंग बढ़ेगी, यानी कि इसने बर्फ तो बना दिया, बर्फ बनाने के बाद आपने क्या किया, फिर वापस वो बर्फ पिघलने लगे, तो जब वो पिघलेगा तो यानी गर्मी बढ़ेगी, जब गर्मी बढ़ेगी तो इसके अंदर फिर से लिक्विड जो होगा वो फैलेगा, है ना। जब फैलेगा तो वापस जो ये आपकी स्प्रिंग है ये भी क्या होगी, ये भी फैलेगी, और जब फैलेगी तो ये वापस क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। और जैसे जैसे ही चिपकेगा ये जो फिर से वापस मिलने लगेगा कंप्रेसर को, फिर से कंप्रेसर चालू हो जाएगा, फिर से कूलिंग करना प्रारंभ करेगा, फिर से जब उसी मोड में जैसे ही आएगा वापस क्या होगा, ये सिकुड़ेगा और फिर बंद हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से कंप्रेसर को चालू और बंद करने काम ये करता है। आप जो भी सेटिंग कर दें, आपने आईसी मोड पे सेट किया, बर्फ बनाने पे आपने सेट किया, तो बर्फ जब तक नहीं बनेगा तब तक ये फ्रिज को चलाएगा। ये क्या करता है, इसके अंदर का लिक्विड ही काम, अगर बाय चांस ये कैपिलरी लाइन टूट गई, यानी कि लिक्विड इसके अंदर का निकल गया, तो इसकी जो सेटिंग है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, ठीक ना। ये तुरंत ऊपर उठ जाएगा बिल्कुल, अब जब खींच के बिल्कुल ऊपर उठ जाएगा या तो ये सिकुड़ जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से, तो फेस जो मिलना वाला फेस है वो बंद हो जाएगा और ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ठीक ना। तो कैपिलरी लाइन यदि इसकी टूट चुकी है तो थर्मो स्टेट खराब है, उसे आपको बिल्कुल चेंज ही करना पड़ेगा। चेक करने का तरीका वही होता है, दोनों जो आपके हैं इनको साफ करा दीजिए, इसको साफ करा देंगे तो हमारा फ्रिज चालू हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन वो लगातार चले, कभी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि साफ करा दिए ना तो ऑटोमेटिक वाला काम खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा करते नहीं है। तो हम तीन मोड इसमें सेट कर सकते हैं, आप चाहे तो कोल मोड सेट करिए, नॉर्मल मोड सेट करिए, और चाहे तो आईसी मोड सेट करिए। जो भी सेट करेंगे तब तक फ्रिज को ये चलाएगा जब तक वो मोड प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। कम सेट करेंगे इसकी जो इसके अंदर जो द्रव्य है वो कम दूर तक फैलेगा, जल्दी सिकुड़ जाएगा, जल्दी बंद हो जाएगा। अब बर्फ़ बनाने में प्रोसेस में टाइम लगता है ना, तो काफ़ी दूर दूर इसके द्रव फैलते हैं, लगभग अब जैसे फ्रिज हो उस हिसाब से 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बर्फ जमेगा, उस हिसाब से क्या करेगा, ये आपका बंद होगा, ठीक है। तो ऐसे काम करता है। फ्रिज में देखते हैं कैसे कहाँ लगाया जाता है, कर दो।
हमारा थर्मो स्टेट है, जिसमें क्या हमारा थर्मो स्टेट सही फिलहाल में, तो देखिए यहाँ पर कैपिलरी लाइन लगी है ना, ये कैपिलरी से जुड़ी है थर्मो स्टेट, इसमें दो पॉइंटे हैं, एक से इनपुट होगा और एक से आउटपुट होगा, और ये हमारा थर्मो स्टेट। और देखिए यहाँ पर इसमें नंबर दिया है वन, यहाँ पे वन जीरो से लेकर सेवन तक दिया है ना, इसको जो हम घुमाएंगे तो देखिए थर्मो स्टेट से क्या होगा आपका घूमेगा, है ना इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसको घुमा कर कोई भी सेटिंग करते हैं, ठीक, लास्ट में आपका ये ऑफ हो जाता है, एक ही स्थिति में जब आएगा तो बंद हो जाएगा, ठीक ना। अब यहीं से हम इसकी सेटिंग करते हैं, वायरिंग तो बताएंगे कैसे इसकी वायरिंग करेंगे। और ये जो आपका सिरा है कैपिलरी लाइन का, ये बिल्कुल कूलिंग कॉइल के लास्ट सिरे पे, यहाँ से जैसे लास्ट सिरा है ना, इसमें इस जगह बनी होती है, इसको वहीं पर लगा के कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक ना। हाँ, ये जो आपका थर्मो स्टेट है ये लगेगा आपका पूरा पूरा जो सिस्टम लगेगा इसमें लगेगा ऐसे, यहाँ पर आपका जो पूरा सिस्टम होता है अंदर इस तरीके से फिक्स होता है, तो यहाँ पर आपका फिक्स होकर रहेगा। और जो कैपिलरी लाइन है यहाँ से दिख रहा है ना ये जगह वाला घाट ऊपर वाला, इस ऊपर वाले घाट से होकर ऐसे घूमकर इसमें कूलिंग कॉइल ग्लास सिरे में छोड़ दिया जाएगा, जिससे ये कूलिंग को सेंस करेगा कि कूलिंग कितनी हो रही है ना। एक अलग एक मीटर लंबी ये आपकी पाइप होती है कैपिलरी, ये पूरी तरह से ब्लॉक होती है, इसके अंदर विशेष प्रकार द्रव्य भरा गया होता है, जो भी हम यहाँ सेटिंग करते हैं इसी के अंदर का जो द्रव्य होता है वो सिकुड़ता है और फैलता है, ठीक ना। जब हम इसको बढ़ाते हैं तो इसके अंदर द्रव्य फैल जाता है, जब ये ठंडा होता है कूलिंग कॉइल तो ये भी ठंडा होता है, जब ये ठंडा होता है इसके अंदर का द्रव्य क्या होता है सिकुड़ता है, जब सिकुड़ता है तो जो आपका ये थर्मो स्टेट है, थर्मो स्टेट क्या होता है ये आपका वापस स्प्रिंग को सिकुड़ाता है, जब स्प्रिंग सिकुड़ता है तो इसके अंदर का जो लीवर है वो ऊपर उठता है, तो इसको फेस जो मिलता है वो मिलना बंद हो जाता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है, ठीक ना। तो इस तरीके से इसका सिस्टम होता है।